कि ऐसी औरतों को तो चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार के मार देना चाहिए। तो भाई सभी को राम राम, और कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई मैं एक बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे ना तो मतलब आपको भी ये लगेगा कि हाँ ये बात ऐसे है। और भाई जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना, सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से ये टॉपिक चल रहा था, मतलब कि मैं हमेशा इस बात पर सोचती हूँ। लेकिन जो सीमा हैदर है पाकिस्तान से हमारे देश में हिंदुस्तान में आई है, और जो अपने बच्चों के साथ आई है यही, मतलब उसका जो आप सब जानते हैं पबजी वाला प्यार की वजह से वो अपने परिवार के साथ मतलब अपने पति को छोड़ के और यहाँ पे आई है, तो उसको सब लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं। कोई कुछ लोग मतलब कि अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग उसे मतलब गद्दार ठहराया जा रहा है। तो भाई मतलब सब तरह के लोग हैं, वो तो सबके बारे में अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो जश्न मना रहे हैं लोग, और चुटकुले टॉपिक वगैरह बना बना के और उत्साहित हो रहे हैं। ये कहना चाहूंगी कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में आई है, और एक जो हिंदुस्तान का लड़का है उससे उसको प्रेम हुआ है, इस वजह से वो अपने चारों बच्चों को लेके आई है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमारे एक हिंदुस्तान में ये घटना हुई थी ज्योति मौर्या एसडीएम के ऊपर, तो वही कुछ गलत था या नहीं था हमको नहीं पता, लेकिन उसके बारे में हम हिंदुस्तानियों ने पता है क्या क्या कहा होगा, उसे गंदी गंदी गालियां भी निकाली उसके बारे में, पता नहीं क्या क्या बोला, और उसे ऐसे भी बोला होगा कि ऐसी औरतों को तो चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार के मार देना चाहिए, ये ऐसी है वैसी है। तो भाई अगर वो ही पाकिस्तान से होती ना, हम जैसे हिंदुस्तानी उसकी बड़ाई करते हैं, हाँ भाई हमारे हिंदुस्तान के लड़के में इतनी ताकत है, ये तो यही पटा सकते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये टॉपिक तो चलो अलग हो गया, लेकिन बात आ रही है सीमा हैदर जी की। तो भाई ये है कि वो पाकिस्तान की है, अपने चार बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई है, और वो जो सचिन भैया है जिनके साथ रह रही है, मतलब कि सभी लोग इतना आनंद इतनी खुशी मना रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से, कोई गीत गा के, कोई गाना गा के, कोई चुटकुले बना के, कोई कैसे मतलब समाचार जितना भी है सब लोग हिल गए हैं कि ये कैसे, मतलब कि बहुत अचंभा की बात है, पाकिस्तान से आके हमारे हिंदुस्तान हमारे हिंदुत्व को अपनाया है, चलो अच्छी बात है भाई, प्यार प्यार होता है, सब कह रहे हैं प्यार में इतनी ताकत होती है, प्यार तो कुछ भी कर सकता है। तो भाई मुझे एक टॉपिक पूछना है आप सभी से कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि प्यार कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान में आ सकते हैं, तो और मतलब कि तो एक बात और बताऊं कि हमारे जो समाज में मतलब अधिकतर कुछ लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबको पता है भाई, मैं किसी के कोई खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ना ही किसी को कुछ ऐसा कुछ करने की बोल रही हूँ कि आप प्यार करो, ये करो वो करो, गलत बात है भाई, मतलब कि एक अपनी भी एक मर्यादा होती है जिसमें रह के हमको मतलब कि रहना पड़ता है, और हमारे माँ बाप की भी मर्जी होनी चाहिए, नहीं होती है तो मतलब कुछ लड़का लड़की होते हैं जो प्यार करते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अगर घर वालों को पता चल जाता है कि लड़का लड़की गलत तरीके से प्यार कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पता है कभी कभार क्या होता है कि लड़का लड़की को दोनों को दफना दिया जाता है, क्या वो प्यार नहीं था उनका जो उनको दफना दिया जाता है? तो लड़का किसी लड़के से प्यार करता है और उसे मिलने जाता है तो, और घर वालों को पता चल जाता है भाई ऐसे ऐसे कोई लड़का है लड़की से प्यार करता है तो मतलब ये गलत है, तो पता है क्या होता है, दोबारा वो लड़का नहीं जाता है, मतलब उसका शरीर जाता है, वो भी मरा हुआ। बताओ क्या बीतती होगी उनपे जो मतलब आज तो इतना जश्न मना रहे हैं और अपने ही देश में अपने ही समाज में ऐसे कुछ प्यार करते हैं तो उनको दफना दिया जाता है, क्या वो प्यार नहीं है? क्या ऐसी कुछ घटना है मतलब कि हमारे समाज के हैं कुछ लोग, अगर कोई लड़की नात गोत भी नहीं होगी और एक गांव के भी नहीं होंगे ना, फिर भी हमारे समाज वाले है ना उनके परेश वो अपने घर वालों से बोल देंगे कि भाई हमको इससे शादी करनी है, घर वाले मना करेंगे नहीं ये गलत है, समाज वाले नहीं होने देंगे, ये ऐसे है ये वैसे है, लेकिन फिर भी लड़की कहती है शादी करूंगी तो इसी से लड़का भी, और दोनों शादी कर मतलब घर वालों की मर्जी से करते, ये भी नहीं वाक्य करते हैं, लेकिन ये हमारे जो समाज वाले हैं ना यही मतलब उनके घर वालों को परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उनको नीचा दिखाते हैं, उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। क्यों करते हो ये? क्या ये अगर वो
पाकिस्तान से है तो प्यार है, अगर हमारे परिवार में या पड़ोस में या आसपास या हमारे किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर वो कोई लड़का लड़की किसी से प्यार करता है तो वो घुमाए, क्या बात है भाई, वाह। मतलब कि इस टॉपिक पे तो किसी ने भी बात नहीं उठाई होगी। देखो अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मुझे है ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये जानना चाहती हूँ। क्यों, अगर कोई लड़की पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई है तो वो तो बहुत प्यार है भाई, ये तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे समाज में कोई बहन कोई भाई किसी से प्यार करता है और उसके साथ जीना मरना चाहता है, तो फिर आप लोग क्यों उसके प्यार को दफना देते हो, क्यों? और मैं ही कहती हूँ कि अगर कोई गलत रास्ते पे जाता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको सही रास्ता दिखाएं। अगर नहीं माना है तो एक जितने भी भाई लोग हैं वो एकजुट होके उस बात को, समाधान को, समाधान तो निकाल सकते हैं ना, भाई ये बात ऐसी है तो इसको ऐसे ऐसे समाधान निकलेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, सिर्फ अपनी खोखली सोच को ऊंचा रखने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं हमेशा। बस ये हर जगह हर क्षेत्र में, ये नहीं कि कहीं कहीं है, हर क्षेत्र में ये। बस अपने आप का भला होना चाहिए, पड़ोसी का बुरा होना चाहिए। भैया ऐसा क्यों सोचते हो, पाकिस्तान को तुम दुश्मन देश मानते हो? दुश्मन तो हमारे आसपास भी बहुत मिल जाएंगे, हर कोई दुश्मन नहीं होता है। मतलब कि आप लोग अपनी घटिया सोच रख के कुछ अपनों का ही बुरा करके वो भी एक दुश्मन, जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो दूसरे देश की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। हर कोई बुरा नहीं होता है, ये नहीं कि हर कोई बुरा है पाकिस्तान का, कुछ अच्छे लोग भी रहते होंगे वहां पे। अब वो तो अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान चली आई, तो हम हिंदुस्तानियों का कर्तव्य नहीं है क्योंकि कोई लड़का लड़की या फिर अपने प्यार करता है तो उनको एक साथ रहने का हक नहीं है क्या? मतलब भाई बहुत दुख होता है ऐसी बातों को, क्योंकि मैंने हकीकत में देखी है, बहुत से लड़कों को मार दिया जाता है, लड़का लड़की दोनों कट के मर जाते हैं क्योंकि ये समाज वाले उनको साथ नहीं जीने देते हैं, यहाँ तक कि वो भागने पे मजबूर हो जाते हैं बहुत सारे। तो भाई ऐसा, और कुछ भाई बहन कहेंगे कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम, भाई मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों करते हो आप? दूसरे देश से आई तो वाह भाई, और अपने गांव में शहर में देश में हो तो बदनामी, इसको पत्थर मार के मार दो, इसका ये कर दो, ये चरित्रहीन है, ये है वो है। मतलब कि क्या बताऊं, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। और भाई जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैंने खुद ने बनाया है क्योंकि मेरे बहुत दिन से मेरे मन में ये बातें चल रही थी, क्योंकि लोग समाधान कम निकालते हैं और उस बात को दूसरे आदमी को नीचा ज्यादा दिखाते हैं, ये मैंने देखा है। तो भाई समाधान अपने खुद भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये घटनाएं होती है अक्सर गलत गलत हो जाती है घटनाएं, तो हमारे अपनों को ही अगर एकजुट होके उन बातों को सहमत, मतलब हम एकजुट होएंगे और उन बातों को एक जगह एक मत पे रखेंगे, तभी तो उन बातों का हल होगा। और मैं ये चाहती हूँ भाई कहीं पे भी अगर कुछ भी गलत हो तो सबसे पहले तो अगर अपने ही एक साथ होंगे ना तो बड़ी से बड़ी ताकत को हम जीत सकते हैं, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन के बैठ जाए ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई सीमा हैदर के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ पे रहती है, अगर वो और पास की होती तो हम भी लोग भी मिलने जाते, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान की है और अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान आई है, और वो बच्चों के साथ आई, ये भी नहीं कि अकेली आई है, बच्चों के साथ आई है, क्योंकि एक माँ अपने सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। भाई उसकी ये बात मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, और अगर कभी मौका मिला तो हम भी मिलेंगे भाई उनसे, ठीक है दोस्तों? अगर मेरी बात किसी भाई को बहन को या बुरी लगी किसी को भी तो क्षमा चाहती हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन मेरे पास टॉपिक नहीं था कि कैसे बताऊं आप लोगों को, कैसे मतलब आप लोगों को मेरी मन की बात बताऊं।